रखे। बस इतना कह दे रहे शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान, क्योंकि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। आमीन आमीन। और हम सब को इसकी खिदमत और इससे वफादारी निभाने का मौका दें। ये मुल्क है तो हम हैं। ये जो इवेंट था ये कोई आम इवेंट नहीं जैसे कैजुअल रूटीन पे होता है। ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के बारे में था। आज का ये इवेंट हम सब स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बट हर किसी के लिए ये मोटिवेशन देता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हमारा क्या काम होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए हमारे दिल में क्या इज्जत होनी चाहिए, और एक दूसरे पर भरोसा करके हम एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जिस कौम की बेटियां तालबात अपने वतन से इतनी मोहब्बत रखती हों, पाकिस्तान को कभी कोई शिकस्त नहीं हो सकती। मुझे इस पे फख्र है कि इस मुल्क के साथ मेरा नाम हो रहा है। पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे पाकिस्तानी की ऐसे से पहचानते हैं। 1947 में एक मुल्क, एक कौम एक मुल्क को तलाश कर रही थी। आज हमें उस कौम की दोबारा जरूरत है। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, गुड न्यूज, के बहुत सारी एफर्ट्स वाइस चांसलर की, रजिस्ट्रार की, कंट्रोलर की, HOD, फार्मेसी की, फार्मेसी के साथ और लोग जो एडमिट में मौजूद हैं उन सब की, और डॉक्टर रजाक शाबानी जो फार्मेसी काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी कोशिशों से कई सालों के बाद कल हमें एक लेटर मौसूल हुआ है। फार्मेसी काउंसिल ने आपकी फार्मेसी डिपार्टमेंट को ग्रेजुएशन दे दी। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हमने अपनी यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त का फंक्शन देखा, तो 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं, हम इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, तो ये मुल्क बहुत से हमारे परदादाओं की कुर्बानियों से ये मुल्क जो है वजूद में आया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज हमारी यूनिवर्सिटी में ये फंक्शन हेल्ड हुआ, जो हमारे वाइस चांसलर और बाकी टीचर्स ने बहुत मेहनत की, स्पेशली स्टूडेंट ने और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत इनक्रेज किया, और हमारे वाइस चांसलर ने आखिर में हमें ये पैगाम दिया कि हम एक कौम है, हमें मुतहद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए हमारे दरमियान,
और हमें बाहर के दुश्मनों से नहीं डरना चाहिए, हमें अपने अंदर के दुश्मनों से डरना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। वो इसलिए कर सकते हैं जब हम मुतहद हो जाए और हम अपने मुल्क की हिफाजत इसी तरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।